हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल। सो गोटे बड़ अपडेट आसी जो माने फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करुछंती बा प्रिपरेशन करबा को चाहौछंती, सो सेमान पई गोटे बड़ अपडेट ओडिसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु गोटे ड्राफ्ट नोटिस आछी जोटा कि 28/8/2023 तारीख दिन प्रिपेयर होइछि। तो सेही नोटिस को जदि आमे देखिबा देन ऑनलाइन एप्लीकेशन बा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ कि स्टार्ट हबार केबे स्टार्ट हबार डेट बा एंड हबार डेट किछि एपर्यंत कन्फर्म करा जाय नाही। सो जो माने तार ऑफिशियल वेबसाइट एपर्यंत पब्लिश है ना ये नोटिस, सो जो दिन पब्लिश हम से दिन आपंकर ये डेट डेटा को भी मेंशन कर देव जो माने रजिस्ट्रेशन करना से नुआ रजिस्टर तो करेंगे। सो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट आर ये मेनसन कराई क्लीयरली जे कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2023 पार्ट टू ता माने कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2023 पार्ट वन जोटा पीयू और जूनियर असिस्टेंट थी সেটা অলরেডি কন্ডাক্টেড হয়ে সারি, রেজল্ট আরাউন্ড দ কর্নার সেপ্টেম্বর মাসে কেবে বি আসি যাব। অ্যান্ড এই যে রেজল্ট এই যে এক্সামিনেশন হব 2023 পার্ট টু অ্যান্ড আরআই এআরআই যেটা আসবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিল্ড সার্ভেয়র সেটা মে বি মতে লাগুছে যে কম্বাইন্ড রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন পার্ট থ্রি রে আসি যাব। সো বেসিক্যালি তা বিষয়ে যদি ডিটেলস টিকে দেখিবা আমি এটি স্কেল পে দেখিবা তার কোন অছি যে লাইফ স্টক ইন্সপেক্টর স্কেল পে কিছু মেনশন করা যায় না কাহিঁকি না প্রিভিয়াসলি যে পাইছেন সেমানে কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট थ्रु रे पाई थे बट से ट्रेनिंग चलती 2 वर्ष। सो ट्रेनिंग कम्प्लीट होगापर कौन सैलरी फिक्स हम लेवल कौन फिक्स हम से जिन डिटेल इनफर्मेशन आसीजी। देन आसा फॉरेस्टर जार पे स्केल रही है 25,500 अराउंड 34-35,000 सैलरी आसीज जो लेवल 7 लेवल 7 पोस्ट सेटा एंड पे मैट्रिक्स तार लेवल 7 एंड फॉरेस्ट गार्ड 19,900 पे स्केल एंड लेवल हूँ 4। सो जो माने लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर रे क्वालिफाई करेंगे से माने 2 वर्ष ट्रेनिंग जीवे जो थे 18 मास थ्योरिटिकल ट्रेनिंग एंड 6 मास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रही है। ट्रेनिंग समय रेम्युनरेशन रही है 7,200 टका पर मंथ जोटा एवं भी से पाई आसुच्च जो मैंने प्रिवियसली सिलेक्टेड होती। ओके सो जो मैंने क्वालिफाई करेंगे देन ओईटी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हम क्वालिफाई करेंगे देन से रेगुलर अपॉइंटमेंट मिलजिव। देन आसो एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो आम एवं एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा देन लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पर प्लस टू वोकेशनल एनिमल हस्बेंड्री डायरी पोल्ट्री मीट और एनिमल प्रोडक्शन किंबा प्लस टू साइंस कौन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रो बा बोर्ड रू करते चलो एंड से लास्ट एज देखीद समस्त समान अच्छी प्राय फॉरेस्टर पर आप प्लस टू साइंस करती दरकार एंड बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर स्किल्स। सो जो मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना से गोटे कंप्यूटर सर्टिफिकेट बाहर करदे। सो फॉरेस्ट गार्ड पर आप जानते हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से आमर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कौटी भी क्वालिफाई कर दरकार। सो मिनिमम एज हूँ 18 वर्ष मैक्सिमम एज हूँ 38 वर्ष। सो एज को काउंट करने तार डेट हूँ आज ऑफ 1 जनवरी 2023। सो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट। सो 1 जनवरी 2023 सुधा आप 38 वर्ष नईवा दरकार एंड 18 वर्ष रु अधिक दरकार। सो नेक्स्ट देखा डेट ऑफ बर्थ आपण को डेट ऑफ बर्थ को काउंट करेंगे जो एचएससी सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ दी सो से डेट ऑफ बर्थ आपर फाइनल डेट ऑफ बर्थ एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज ऑफ डेट बा एक आज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो आप जब क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पूर्व आपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आसी जाए सर्टिफिकेट आजल्ट आप्लाई एलिजिबल हो पारे। एज रिलैक्सेशन कथा देखा देन एससी एसटी एससीबीसी वोमेन कैटेगरी 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 10 इयर्स जोटा कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मानों रही। सो नेक्स्ट किसी अपडेट देखा कौन अच्छी। ओके सो सब एग्जाम भरी ये भी अपडेट अच्छी पास मिनिमम क्लास 7 पर्यंत ओडिया पास करथिबा दरकार जोटा समस्त प्राय कर जो मैंने सीबीएसई मीडियम से मैंने बीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होती से मत पास कर जो मैंने करें एंड ये जहाँ भी अच्छे जे जदि अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी देखा देन इंडियन होते गुड क्यारेक्टर होते मे बी क्यारेक्टर सर्टिफिकेट मे भी मागे न मागे भी पारे एंड जदि इफ मैरिड मोर नॉट मोर दैन वन स्पाउस रही दरकार। सो जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से मिनिमम डिसेबिलिटी 40% टू कम होते अलाउ करा नहीं एंड टेम्पररी डिसेबिलिटी सुड नॉट अप्लाई आज दे आर नॉट एलिजिबल सच एप्लीकेशन समय भी रिजेक्टेड। सो जो मैंने ये बहुत बड़ अपडेट जो मैंने टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाई सो से एलिजिबल नुह। सो एवे आम देखा एग्जामिनेशन फी कौन अच्छी। सो नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फर द अप्लाइंग फर द पोस्ट। सो एवं ओडिशा गवर्नमेंट जो नोटिस आसाला प्रिवियसली से नोटिस एग्जाम ओडिशा गवर्नमेंट कौन से भी एग्जामिनेशन आउ फी रही ना। सो लास्ट डेट ऑफ फीस आप खाली लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ये खाली डेट पड़िया बाकी अच्छे। ओके जेहतु स्टार्टिंग डेट देनी
एंड डेट भी देनी। ओके सो हाउ डू अप्लाई एटा हाउ डू अप्लाई एवं डिस्कसन करार किसी मैंने ना जस्ट अपडेट पर आपको दबार अच्छे जितने ऑनलाइन वेबसाइट आसीज देन आम हाउ टू अप्लाई डिस्कसन करवा लाइव आम फर्म पकईकि आपण देखेदेव जो आप अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट देखा सो कौन कौन दरकार रेजिस्ट्रेशन से जाने रखि था। सो जो दिन नोटिफिकेशन आसपर जल्दी आपको अप्लाई करने एलिजिबल अप्लाई करने आपको इजी हम। सो आप स्पेसिमेन सिग्नेचर दरकार पासपोर्ट साइज फोटो दरकार सर्टिफिकेट जोड़ा क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जमी टेन्थ है प्लस टू है प्लस टू साइंस है। सो से गुड़ाकर सर्टिफिकेट और मार्कसीट युड़ाक भी दरकार देन फोटोग्राफ दरकार इमेल आईडी दरकार गोटे फोन नंबर रही दरकार। ओके देन आसला ओरिजिनल सर्टिफिकेट गुड़ाक यहाँ दरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुड़ाक ओरिजिनल दरकार हो पार। ओके सो प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जब देखा देन निज होम डिस्ट्रिक्ट हम एंड डेट मंथ भी मेंशन करा जाए नहीं निज डिस्ट्रिक्ट एग्जाम कंडक्ट हो दैट्स पॉसिबल ऑनलाइन हम कि ऑफलाइन हम से जिनसा मेंशन करा जाए नहीं। आई होप कि ऑनलाइन हो पाए कहीं जहाँ भी ओडिशा गवर्नमेंट जहाँ भी आप प्रीवियस नोटिस देखी थे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा डिसीजन नहीं। सो लेट होप फॉर द बेस्ट जो ऑनलाइन एग्जाम हो जाऊ कहीं बहुत ही करप्शन ए रिलेटेड बहुत ही करप्शन हो गला ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपने जहाँ देखी थे देन एडमिशन लेटर आसी जाओ आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे देन आसला प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट ये जिसका देखा दरकार जो कौन एग्जामिनेशन आसो। सो रिटर्न टेस्ट जो थे 150 मार्क अच्छी। ओके नेगेटिव मार्किंग 0.5 जहाँ प्रीवियसली थी से सेम जिन अच्छी बट किसी चेंजेस आठ देखते आप जे इंग्लिश 20 मार्क ओडिया 20 मार्क एरिथमेटिक 25 मार्क जनरल नॉलेज 25 मार्क एंड कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क फिजिक्स 10 मार्क केमिस्ट्री 10 मार्क बायोलॉजिकल साइंस 20 मार्क। सो आप देखिपे जेहेतु बायोलॉजी साइंस बहुत सारा चैप्टर्स अच्छी मैथ अच्छी सो बेसिकली कह जनरल नॉलेज भी आसीज साइंस क्वेश्चन जे आसी जाए। सो बेसिकली साइंस साइंस बैकग्राउंड पिला बहुत हेल्पफुल हम एंड जेहेतु नॉर्मली फॉरेस्ट गार्ड जो मैंने अप्लाई करते हैं से मैंने कंपेरेटिवली आर्ट्स पिला ही बहुत ही अप्लाई करेंगे। सो से बेसिकली फोकस करा पड़ेगा कहीं टेन्थ टेन्थ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगी। ओके टेन्थ स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आसो सो टेन्थ बुक को पढ़ी मैंने जापर हो जाए एंड देखी ये यही पीईओ एग्जाम पीईओ एग्जाम कौ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आसाला मे बी आई होप कि से बेटर करेंगे यथर मैंने निज भूल किसी शिखे एंड किसी बेटर क्वेश्चन से बनइबे तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा क्वेश्चन आगे बनइबेनि बोली आशा एंड इंग्लिश 20 मार्क ओडिया 20 मार्क एरिथमेटिक 25 मार्क जनरल नॉलेज 25 मार्क कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क फिजिक्स 10 मार्क केमिस्ट्री 10 मार्क एंड बायोलॉजिकल साइंस 10 मार्क। सो आम या सिलेबस रिलेटेड बहुत ही क्रिस्प वीडियो गोटे बनई फिजिकल टेस्ट जो मैंने क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट में जो मैंने क्वालिफाई करेंगे मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर हम से थ्री टाइम्स मेरिट रैंक हिसाब से जितकीटा पोस्ट थी पोस्ट जितकी थी से थ्री टाइम्स ये क्लीयरली मेनसन कराई थ्री टाइम्स कैंडिडेट को निजी जो मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड बा फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट बा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से दबा को पड़े एंड सेटा निज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंडक्ट हे। सो जब आम देखा फिजिकल स्टैंडर्ड आम कौन रही फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट कौन रही। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करा जो डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे रिटर्न टेस्ट दबापे अप्लाई करेंगे से डिस्ट्रिक्ट से कंडक्ट करा एंड जदि आम देखा जे मिनिमम फिजिकल क्वालिफ बा फिजिकल स्टैंडर्ड कौन रहा दरकार जमी हाइट है चेस्ट है जब आम देखा लाइफ स्टक इन्स्पेक्टर पर देखिए जो 5 फुट 2 इंच रही दरकार हाइट यूआर एंड एसबीसी कैटेगरी एंड चेस्ट एक्सटेंडेबल एक्सटेंडेबल टू 30 इंच। ओके यहाँ रहा मेल कैटेगरी एससी कैटेगरी 5 फुट एंड एक्सपेंडेबल 30 कैटेगरी। ओके 30 इंच एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी जो मैंने 5 फुट हाइट होते सेपर। ओके सो एससी एसटी फीमेल एक्स्ट्रा किसी रिलैक्सेशन ना ऑल फीमेल मान 5 फुट रखा जाए देन द कैंडिडेट फॉर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर सो से मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है 100 हाइट होता दरकार यूआर एससीबीसी कैटेगरी एंड मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन करा जीवो ऑन एक्सपेंडेड स्टेज रे 81 सेंटीमीटर रहा दरकार एंड एक्सपेंड होगा 5 सेंटीमीटर इनक्रीज करवा दरकार देन एसटी कैटेगरी 158 सेंटीमीटर हाइट एंड 51 सेंटीमीटर होची अनएक्सपेंडेड 86 सेंटीमीटर होची एक्सपेंडेड जदि ओमेन देखा देन 153 सेंटीमीटर रहा दरकार। सो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन हाइट है बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 168 मैक्सिमम पिलांकर 168 नथिबो आई होप समस्त था जो मैंने प्रिपेरेसन करुँच बट 168 भी बहुत ही अधिक हाइट 5 फुट 6 इंच पाखापाखि दरकार।
ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଶାଲ୍ ବି ଡିମ୍ ଟୁ ବି ଏ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ୍। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ରହିବ ତାଙ୍କର, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ, ଓକେ। ଦେନ୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ସୋ ସାଇକ୍ଲିଂରେ କ'ଣ ରହିବ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ବା ଫରେଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ୱାକିଂ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 25 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 4 ଆୱାର୍ସ, 4 ଘଣ୍ଟାରେ 25 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫର୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ରହିବ ତାଙ୍କର 4 ଘଣ୍ଟାରେ 16 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା 25 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ 4 ଘଣ୍ଟାରେ 16 କିଲୋମିଟର ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବେ ତାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ�ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଟ୍ 125% ବା 100 ଜଣ ଯଦି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଥିବ ଦେନ୍ 125 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଓକେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଓକେ। ସୋ ଦେନ୍ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହବ, ଚଏସ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ଆର୍ ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହବ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଇ ପାରିବେ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତିର ବର୍ଷା, ଯେମିତିକି ଆସିଯାଇଥିଲା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ SSB, ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ LI। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଡାଉଟ୍ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଯାଉ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ଆମେ ନେଇଯାଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।